नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ाके की सर्दी के साथ नए साल का होगा स्वागत। उदयपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.6 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे हिमाकत की लकड़ी तस्करों को रोका तो वनपाल और वन रक्षक को डंपर से कुचलने का किया प्रयास। जिला स्तरीय निष्पादक समिति की हुई बैठक। एडीएम बोले स्माइल प्रोजेक्ट की रैंकिंग सुधारें सीबीओ व कर्मचारी। उदयपुर के लिए आई सुखद खबर। ब्रिटेन से उदयपुर आए 5 संक्रमितों में से एक भी नहीं मिला नया स्ट्रेन। और खेरवाड़ा व कांकरी डूंगरी उपद्रव से लिया पुलिस ने सबक। आदिवासियों के हमले से निपटने को अब पुलिस अपनाएगी आदिवासी तरीका। तीर और गोफन चलाने की देंगे ट्रेनिंग। पाटीदार समाज की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। वॉलीबॉल में दूसरी बार बनी बड़ा राजपुरा बी चैंपियन। नया राजपुरा ए को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब खबरें विस्तार से। नया साल आने को है, 2020 विदा लेने को है। कड़ाके की ठंड के साथ ही इस बार सभी नए साल का स्वागत करते दिखाई देंगे। लेक सिटी उदयपुर में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हो रही है। हाल ही में मौसम विभाग ने उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद से उदयपुर में सर्दी का असर तेज हो गया है। बुधवार को उदयपुर में न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में उदयपुर समेत संभाग के कई इलाकों में मावठ होने की संभावना है। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम परिवर्तन का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उदयपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि तब भी न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में 2 से 3 जनवरी के दिन मावठ गिरने की भी संभावना बनी हुई है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप ने भी अब उदयपुर में असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखल पोस्टवाल ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ ही आम लोगों में वायरल और सर्दी जुकाम जैसी शिकायतें बढ़ गई है। ऐसे में मौसम परिवर्तन के दौर के साथ ही उदयपुर में आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डाइट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक एडीएम संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें शिक्षा विभाग के समस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। एडीएम ने स्माइल प्रोजेक्ट में जिले के थूर और बुजड़ा पीओ के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मन से किया गया कार्य गुणवत्तापूर्ण होता है। उन्होंने जिले के बाकी पीओ को भी उनका काम अनुकरणीय बताया। बैठक में शिक्षा विभाग के स्माइल प्रोजेक्ट में नवंबर माह की रैंकिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सीबीओ को निरंतर मॉनिटरिंग कर अगले माह रैंकिंग में सुधार करने को कहा। बैठक में पुष्पेंद्र शर्मा, एपीसी मुरलीधर चौबीसा, कार्यक्रम अधिकारी रश्मि मेहता, संदीप आमेटा आदि मौजूद थे। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली जब लकड़ी तस्करी रोकने का प्रयास करते सहायक वनपाल व वन रक्षक पर ही ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या है पूरा मामला, ये बताते हैं। जाड़ोल वन रेंज में मंगलवार रात पहले तो लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की नाकाबंदी तोड़ी, फिर पीछा करने पर सहायक वनपाल मुनि मीणा व वन रक्षक हीरेंद्र सिंह झाला को कुचलने का प्रयास किया, उनकी बाइक पर डंपर चढ़ा दिया। डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि आम की लकड़ियों की तस्करी की सूचना पर सुल्तानजी का खेरवाड़ा पुलिया पर बोलेरो से रेंजर शांतिलाल मेघवाल, सहायक वनपाल लक्ष्मीलाल सहित अन्य वन कर्मी और बाइक से सहायक वनपाल मुनि मीणा और हीरेंद्र सिंह झाला ने नाकाबंदी लगाई। इस दौरान एक डंपर को रोकने के लिए हाथ दिया तो उसका चालक नाकाबंदी तोड़कर उड़ावेला की तरफ भागा। टीम ने बोलेरो और बाइक से पीछा किया तो 1 किलोमीटर बाद ही एक जेसीबी और ट्रैक्टर सामने आ गए और उन्होंने 3 किलोमीटर तक साइड ही नहीं दी। उड़ावेला के पास चौड़ा रास्ता मिलने पर बाइक सवार मुनि मीणा व हीरेंद्र सिंह झाला जेसीबी व ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए डंपर के पास पहुंचे और रुकने का इशारा किया। डंपर चालक ने वन कर्मियों को कुचलने के लिए टक्कर मार दी। बाइक ड्राइवर सीट के टायर के नीचे फंस गए। इसके बाद डंपर रुक गया और तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मीणा का हाथ टायर के नीचे आने से टूट गया, जबकि झाला के कंधों में चोट आई है। वन विभाग की एक अन्य टीम भी बोलेरो से तस्करों का पीछा कर रही थी। करीब 4 किलोमीटर बाद मीणा और झाला की बाइक डंपर के नीचे फंसने पर तस्कर फरार हो गए। डंपर में आम की 20 टन लकड़ी जब्त हुई है। उधर जेसीबी और ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए बोलेरो की टीम मीणा और झाला के पास पहुंची और उन्हें एमबी हॉस्पिटल आए। रास्ता रोकने वाले ट्रैक्टर और जेसीबी भी नदारद हो गए। आशंका है कि वे गांवों के रास्ते से कहीं निकल गए। विभाग ने जाड़ोल थाने में वन कर्मियों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतीयन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स,
सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतीयन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतीयन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतीयन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने उन 5 संक्रमितों की रिपोर्ट भेजी है जो ब्रिटेन से उदयपुर लौटे थे। सुखद खबर इसमें यह रही कि इसमें से किसी को भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन नहीं मिला है। दूसरी राहत की खबर यह भी रही कि कोविड अस्पतालों में भर्ती जिले के किसी भी मरीज की जान नहीं गई। CMHO दिनेश खराली ने बताया कि पुणे से 5वें दिन मिली रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन से लौटे 5 संक्रमितों में वायरस का पुराना स्ट्रेन ही डिटेक्ट हुआ है। ये सभी नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट के इंतजार में यहां प्रशासन की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि नई गाइडलाइन के तहत नए स्ट्रेन वाले संक्रमितों के इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। घर घर सघन स्क्रीनिंग कराकर सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ितों के सैंपल लेने के साथ साथ कोरोना जांच कराई जाती है और संक्रमितों के सैंपल नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजना पड़ता है। ब्रिटेन से लौटने के बाद सलूम्बर में मिले 2 प्रवासियों की रिपोर्ट की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। बता दें कि मंगलवार को ही बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में नए स्ट्रेन वाले 6 मरीज मिले। ये सब भी ब्रिटेन से ही लौटे थे। जिले में 39 नए रोगी मिले हैं। CMHO डॉक्टर दिनेश खराली ने बताया कि उदयपुर में 15 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केसेस फिर से 418 हो गए हैं। इनमें से 228 होम आइसोलेशन और 190 गंभीर संक्रमित विभिन्न कोविड हॉस्पिटलों में भर्ती है। कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर शंकर अजबामनिया ने बताया कि नए मरीजों में 24 शहरी और 15 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसमें RNT मेडिकल कॉलेज की 27 वर्षीय महिला रेजिडेंट डॉक्टर, कालका माता रोड निवासी 36 वर्षीय महिला चिकित्सक, बड़गांव शांति निकेतन निवासी 49 वर्षीय दंत चिकित्सक और रेलवे ट्रेनिंग सेंटर सुखाड़िया सर्कल में 27 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल है। बता दें कि कोरोना से अब तक उदयपुर के 198 संक्रमितों की जान जा चुकी है। इनमें 28 फीसदी पुरुष और 20 महिलाएं हैं। कांकरी डूंगरी उपद्रव से पुलिस ने सबक ले लिया है। ऐसे उपद्रव दोबारा न हो या हो तो उनसे उन्हीं के तरीके से निपटा जाए, इसके लिए पुलिस विभाग भी अब कमर कस रहा है। पुलिस विभाग खेरवाड़ा में सितंबर में उपजी स्थिति जैसी से निपटने को तैयार रहने के लिए जवानों को तीर और गोफन चलाने की ट्रेनिंग देगा। जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट पर 6 हफ्ते का प्रशिक्षण खेरवाड़ा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू होगा। जवानों को पहाड़ों से उपद्रवी पथराव से निपटना, बिना बंदूक चलाए खदेड़ना, तीर का मान और गोफन चलाना सिखाया जाएगा। RSC MBC की यूनिट के साथ थानों के जवान और पुलिस अधिकारी तक शामिल होंगे इसमें। पुलिस की ट्रेनिंग शाखा का यह प्रस्ताव जल्द मंजूर हो सकता है। ADG ट्रेनिंग नीना सिंह ने बताया कि जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण से पुलिस को विपरीत हालात में लॉ एंड ऑर्डर से निपटना सिखाएंगे। बता दें कि सितंबर में शिक्षक भर्ती आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर मंगरों से पत्थर बरसाए। एक बार में प्रशिक्षण के लिए करीब 50 पुलिसकर्मियों और जवानों को लेंगे। एक्सपर्ट भी बुलाए जा सकते हैं। 6 हफ्तों की ट्रेनिंग में अलग अलग हफ्ते फील्ड और नॉन फील्ड कक्षाएं होंगी। खेरवाड़ा PTC के आसपास पहाड़ियों पर प्रैक्टिकल होंगे। एक टीम उपद्रवी बनेगी और दूसरी बनेगी जाप्ता। उपद्रवियों के पत्थरों से बचाव और जवाबी कार्रवाई भी सिखाई जाएगी। सड़क पर एक साथ उतरे उपद्रवियों को आबादी की तरफ बढ़ने से रोकना भी सिखाया जाएगा।
मेवाड़ पाटीदार खड़क समाज के 8वीं 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कानोड़ तहसील के नया राजपुरा गांव में आयोजित हुई, जिसका समापन बुधवार को हुआ। सोमवार को शुरू हुई इस खेलकूद प्रतियोगिता में मेवाड़ के सभी गांवों से पाटीदार समाज के युवाओं ने भाग लिया। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला बड़ा राजपुरा बी व नया राजपुरा ए के बीच खेला गया, जिसमें बड़ा राजपुरा बी ने नया राजपुरा ए को कड़ी शिकस्त देकर हरा दिया। बड़ा राजपुरा बी चैंपियन बन गई। बड़ा राजपुरा बी ने लगातार दूसरी बार वॉलीबॉल खिताब पर कब्जा जमाया है। वहीं बात क्रिकेट की जाए तो फाइनल मुकाबला नगावली वल्लभनगर उठाला माता के बीच खेला गया, जिसमें नगावली को उठाला माता वल्लभनगर ने मात देते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। कबड्डी प्रतियोगिता में खेताखेड़ा वर्सेस आकोलागढ़ के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें आकोलागढ़ ने बाजी मारते हुए खेताखेड़ा को हराया। इसी के साथ साहित्यिक प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें कई प्रतिभाओं ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य पति भीमराज पाटीदार थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पाटीदार समाज के अध्यक्ष पन्नालाल पाटीदार ने की। मुख्य अतिथि भीमराज पाटीदार ने विजेता उपविजेताओं को दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं टोपी सहित इनाम दिए। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर लाल कुलमी ने किया। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।